Good morning students. So on previous turn we started Gauss Seidel method of load flow. So अब तक हमने ये देखा कि for n bus system, bus number 1, 2, 3 and so on up to bus number n. In earlier class we assumed that apart from slack bus, bus number 1, the remaining buses are PQ buses. ये तो किया था हमने, assume किया for n bus power system apart from slack bus the other buses are PQ buses, no PV bus was there. So for PQ buses P and Q are specified quantities, hence variables will be V and delta, यानी कि V phasor, V phasor will be variable. ठीक है, सो वी आई का मतलब है आई मे बी फ्रॉम 2 to n. अब आज हम लोग पी वी बस का भी इफेक्ट देखेंगे, यानी कि अब हम सिस्टम जो ले रहे हैं एन बस सिस्टम, सो अपार्ट फ्रॉम स्लैक बस सम बसेज आर पी क्यू बस, सम बसेज आर पी वी बस. सो पी वी बस में स्पेसिफाइड क्वांटिटीज क्या क्या होंगी? पी एंड वी आर स्पेसिफाइड क्वांटिटीज फॉर पी वी बस. सो वेरिएबल्स क्या क्या हो जाएंगी? Q and delta. So keeping these in mind, we will apply Gauss Seidel method of load flow. तो चलिए मान लीजिए कि बस नंबर 2 से लेकर M तक PQ बस है, नंबरिंग करेंगे ना. सो नेक्स्ट M प्लस 1, M प्लस 2 अप टू N. सो ये कौन सी बसेस हो जाएंगी? PV बसेस. ठीक है, सो हमारे n बस सिस्टम में बस नंबर 1 स्लैक बस है, बस नंबर 2 से लेकर m तक पी क्यू बसेज हैं, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग बसेज हैं m प्लस 1, m प्लस 2, नंबरिंग कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, राइट, पी वी बसेज हैं. सो क्विकली इनके लिए वेरिएबल्स आपने कहा कि v एंड डेल्टा, साहब इनको देखते हुए v एंड डेल्टा हम लिखेंगे. याद रहे कि जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं की वैल्यूज को हम हर इटरेशन में अपडेट करते हैं, जो स्पेसिफाइड वैल्यूज है उनको अपडेट तो करते नहीं, वो वेरिएबल नहीं है. जैसा कि आप पी क्यू बस में देखे थे कि वेरिएबल्स आर वी एंड डेल्टा, तो आप देख रहे होंगे वी आर आर माइनस वन कहीं भी आ रहा होगा, कहीं भी पी और क्यू में आर आर माइनस वन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वेरिएबल्स हैं नहीं वो पी क्यू बस के लिए. पी क्यू बस के लिए पी एंड क्यू तो स्पेसिफाइड है, जो स्पेसिफाइड रहेंगे वो शुरू से ही रहेंगे अंत तक. ठीक है, लेकिन अगर आप पी वी बस की बात करते हैं तो इसमें वी मैग्नीट्यूड, वोल्टेज मैग्नीट्यूड क्या है, ये बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड ये क्या रहेगा? स्पेसिफाइड रहेगा. अब ये वेरिएबल नहीं रहा, अब इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा? डेल्टा तो रहेगा, क्यू रहेगा. तो चलिए एक एक करके बात करते हैं. तो अब हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हर तरह की बसेज हैं, स्लैक पी क्यू पी वी. तो चलिए पहले अब इसके लिए जरा सा मोर प्रिसाइज वे में हम लिखते हैं. क्या लिखेंगे वेरिएबल? वी आई. आरएथ इटरेशन के लिए अगर लिखते हैं आप तो क्या लिखे थे आप, नोटबुक देखिए आप, ये लिख रहे थे ना कुछ वी आई आर, ये लिख रहे थे ना, तो बताइए क्या लिखेंगे, क्या था फॉर्मूला? वन अपन वाई आई आई, यही था ना, पी आई माइनस जे क्यू आई, ये था. ठीक है, यहां पे क्या आ रहा था? वी आई आर माइनस वन. आप समझ रहे हैं क्यों आर माइनस वन लिख रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे आर आर माइनस वन इसलिए आ रहा है क्योंकि पी क्यू बस के लिए आप ये लिखते हैं ना, ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल बोथ वी एंड डेल्टा, लेकिन ये स्पेसिफाइड है इसलिए यहाँ कभी भी आर या आर माइनस वन नहीं आएगा फॉर पी क्यू बस. जब आई पी आई आप लिख रहे हैं तो आई तो यही आई होगा ना जिसके लिए आप वेरिएबल लिख रहे हैं, तो फॉर दैट आई जिसके लिए आप वी आई आर को वेरिएबल मान रहे हैं तो पी क्यू बस होगा, तो इसमें पी आई एंड क्यू आई वहाँ पे स्पेसिफाइड है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद क्या होता था? माइनस, एक एक करके लिखते हैं ना अलग अलग, वाई आई वन, आई के वी के था ना, तो आई वन वाई आई वन वी वन लिख दे इसको,
आर या आर माइनस वन? क्यों आर? बस नंबर वन स्लैक बस है, इसका भी ख्याल रखें आप, इसलिए कहा कि मोर प्रिसाइज मैनर में अब आप लिखेंगे। बस नंबर वन को स्लैक मान लिया आपने ना, तो स्लैक मान लिया तो स्लैक बस के लिए स्पेसिफाइड क्वांटिटीज वी एंड डेल्टा होती है, वेरिएबल तो है नहीं तो वो सेम रहेगा ना हर इटरेशन में, इसलिए यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? टू ऑनवर्ड पी क्यू बस है तो टू ऑनवर्ड के लिए आप लिखिए। कहाँ कहाँ से लिखेंगे आप? के इक्वल टू टू से कहाँ तक लिखेंगे? आई माइनस वन, आई माइनस वन आप लिखेंगे, इसलिए कि जिस बस के लिए आप आई आईथ बस की बात कर रहे हैं तो डैट आई इज बिलोंगिंग इन दिस डोमेन, क्योंकि पी क्यू बस के लिए आप लिखते हैं ना, तो पी क्यू बस तो इसी में कहीं लाई करेगा ना, सो जहां भी लाई करता हो आईथ उससे पहले तक आप क्या लिखेंगे? वाई आई के वी के, यहां क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? आई माइनस वन तक लिख चुके हैं, आई एच के लिए लिखने जा रहे हैं, तो उसमें जो ये समेशन साइन था यही तो आई एच बाहर निकाले, तो यहां पे के इज नॉट इक्वल टू आई आता है, तो आई माइनस वन के बाद नेक्स्ट क्या होगा? आई प्लस वन। सो नेक्स्ट आप लिखेंगे समेशन साइन के इज इक्वल टू आई प्लस वन से कहां तक? अब एन तक नहीं, इसलिए कि यहां से फिर डोमेन चेंज हो जाता है, यहां पे दूसरा रीजन स्टार्ट हो जाता है, एक बॉर्डर मान ले यहां पे। तो अभी आप आई माइनस वन तक थे, आई होता नहीं है इस समेशन में, सो आई प्लस वन से कहां तक जाएंगे आप? एम तक जाएंगे, क्योंकि इस रीजन में वी एंड डेल्टा दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन इस रीजन में वी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ डेल्टा वेरिएबल है, क्यू भी है उसकी बात बाद में करेंगे, बस मैंने अभी। तो अभी आप कहां तक चलेंगे? एम तक, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए आप, और यहां लिखेंगे आप y, बोलिए क्या लिखेंगे? y i के v के क्या लिखेंगे? r माइनस वन। अभी आप यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन समेशन साइन तो होता है ना पूरा n तक होता है ना, तो अभी बाकी है, इसको लिखना बाकी है। अब इस रीजन में आप एंटर होने जा रहे हैं, और यहां पे आप क्या लिखेंगे? समेशन साइन क्या लिखेंगे बताइए? k इज इक्वल टू कहां तक लिखेंगे? m प्लस वन से। अब क्या लिखेंगे ये बताइए? चलिए y i k तो मैं लिख देता हूं, अब क्या लिखेंगे आगे? v के मैग्नीट्यूड, वो अब वेरिएबल नहीं रहा, समझ रहे इस बात को? देखिए यहां पे r या r माइनस r या r माइनस वन लिखने का मतलब ये है कि आप इस फेजर का लिख रहे हैं, फेजर में दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और फेज एंगल भी, यानी कि दोनों वेरिएबल हैं। लेकिन जैसे ही पीवी रीजन में आप एंटर होते हैं तो यहां पे वी अब मैग्नीट्यूड वेरिएबल नहीं रहा, सिर्फ डेल्टा रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे? वी के, ये मैग्नीट्यूड है और फेज एंगल डेल्टा के आर माइनस वन। इस बात को समझ रहे हैं आप? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे अभी भी। ये वही फॉर्मूला है जो पिछले क्लास में हमने देखा था, लेकिन उसमें एक स्पेशल केस था, एक एजम्पशन था हमारा कि हमारे सिस्टम में कोई भी पीवी बस नहीं है, सिर्फ एक स्लैक बस है और पीक्यू बस है, उसके लिए लिखा था। उसके लिए लिखा था तो कुछ इस तरह का था, वन अपन वाई आई आई पी आई माइनस जे क्यू आई, ये तो कॉमन था। इसके बाद था वो माइनस समेशन साइन था ना, बस आई एथ टर्म नहीं था, उन्हीं टर्म्स को अब इनको देखते हुए लिख रहे हैं, इसलिए कि अब जो हम केस कंसिडर कर रहे हैं वो जनरल केस है। जनरल केस के मतलब कि इसमें पीवी एंड पीक्यू बस दोनों बस तरह की बसेस हैं, समझ रहे हैं इस बात को? तब इनको देखते हुए लिख रहे हैं। तब लिखना ये है कि वही गॉस सीडल जो जनरल आपका तरीका है वही अपनाएंगे, उसमें होता ये है कि आरएथ इटरेशन के लिए किसी भी वेरिएबल को अपडेट करने जा रहे हैं आप। तो आपके सामने अगर अभी आप पीक्यू के लिए लिख रहे हैं, अभी आप पीक्यू के लिए भले ही आप लिख रहे हैं इन वेरिएबल्स को, लेकिन जो फॉर्मूला होता है उसमें सबका इफेक्ट होता है, चाहे वो पीक्यू बस हो या पीवी बस हो, इफेक्ट तो सबका होता है ना, ठीक है? बस मैंने भले ही ये क्वांटिटी वेरिएबल है सिर्फ पी क्यू के लिए, लेकिन ये सब पे डिपेंड करता है, सारे बस मैग्नीट्यूड एंड उसके वोल्टेजेस कितने हैं, राइट, एंगल्स क्या है, पी एन क्यू क्या है। देखिए आप देखेंगे ये तो इनका अपना है,
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे के इज इक्वल टू वन टू एन एक्सेप्ट आई एथ टर्म, आप देखेंगे सारी बसेस का कंट्रीब्यूशन होता है ना, इतना मान रहे। अब एक एक करके देखते हैं, तो पहले टर्म को आप लिखेंगे तो वाई आई वन वी वन लिखेंगे, यहाँ पे आर या आर माइनस वन नहीं लिखेंगे, आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट बस स्लैक बस है, उसमें ये वेरिएबल नहीं है, ये तो वेरिएबल कहीं नहीं है, बस एडमिटेंस एलिमेंट्स तो कहीं भी वेरिएबल नहीं है, पैरामीटर है, ठीक है, और ये भी पैरामीटर है तो इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि ये और ये पैरामीटर हो गया, अब स्पेसिफाइड क्वांटिटीज हो गई, ठीक है, क्योंकि आई लिखा है ना, आई तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट आई बिलोंग्स टू पी क्यू बस। अब टू ऑनवर्ड चलें, तो आप टू से चलेंगे पी क्यू के लिए, तो यहाँ पे वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल दोनों वेरिएबल होते हैं, तो आप देखिए दोनों के लिए आपने लिख दिया, आई माइनस वन तक आर एथ इटरेशन का वैल्यू आपके पास है तो लिख दिया आपने, समझ रहे हैं इसको, और नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट तक एक्सेप्ट आई एथ जो होता नहीं है फॉर्मूला में, उसको आपने आर माइनस वन लिख दिया, अब यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके बाद आप जब ये लिख रहे हैं नेक्स्ट, तो इसमें आपको पता है कि अब वोल्टेज बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड अब वेरिएबल नहीं है पीवी बस के लिए, वो स्पेसिफाइड होता है, पीवी बस में पी एंड वी बोथ आर स्पेसिफाइड नॉट वेरिएबल, क्यू एंड डेल्टा वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डेल्टा को इसलिए आप लिखेंगे, और आई के बाद है, ठीक है, आई से पहले तक तो होता है आर एथ इटरेशन वैल्यू, और आई के बाद क्या होता है प्रीवियस इटरेशन वैल्यू, मालूम है ना आपको, तो पहले डिस्कस किया गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अभी तो आपने लिखा सिर्फ पी क्यू बसेस के लिए ये वेरिएबल्स, अब पी वी बसेस के लिए वेरिएबल्स क्या क्या हैं, क्या क्या है, क्यू एंड डेल्टा, चलिए इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है, इनके वेरिएबल्स को आपने लिख लिया, अब हम जा रहे हैं इनकी वेरिएबल्स को लिखने, कोई डाउट तो नहीं इसमें, आई इज इक्वल टू क्या लिखा आपने इसके लिए, आई कहां से कहां तक इसको देखते हुए देखिए, टू सू टू 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 एन कह रहे हैं या एम कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दिस और दिस, दिस, वेरी गुड, तो यहां पे आई आप रखते चले जाएंगे टू, तो सेकेंड बस के कॉरेस्पॉन्डिंग वी टू डेल्टा टू मिल जाएगा आर आर एथ इटरेशन में, ठीक है, थ्री रखेंगे फोर अप टू एम रखेंगे, ये पी क्यू बसेस के लिए आप लिखेंगे, राइट, अब पी वी बसेस के लिए लिखेंगे तो वहां पे आई क्या होगा एम प्लस वन ऑनवर्ड। चलिए अब पी क्यू बसेस के लिए वेरिएबल्स पहले बताइए क्या क्या होती है, क्यू एन ये वेरिएबल्स है ना, इनको लिखना है, तो इसमें सबसे पहले आप इस वेरिएबल को इवेल्युएट करेंगे, क्यों इसका जवाब बाद में आएगा, अभी इतना याद रखें कि इन दोनों में सबसे पहले आप क्यू को इवेल्युएट करेंगे, पहले ये इवेल्युएट होता है और जो वैल्यू ऑब्टेन होता है जो मिलता है उसको इनकी लिमिट से क्रॉस चेक करते हैं, कि जिसको आप वोल्टेज कंट्रोल्ड बस कह रहे हैं, जनरेटर बस कह रहे हैं, पीवी बस कह रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा है या नहीं, अगर विद इन लिमिट्स हैं तब तो पीवी रहेगा, अदरवाइज इसकी आइडेंटिटी अब लूज हो जाएगी, अब ये पीवी के लायक नहीं रहेगा अगर इसका क्यू विद इन लिमिट्स नहीं आ रहा है, तो वो बाद में देखेंगे, तो अगर विद इन लिमिट्स है तो पीवी है, ये चेक हो गया, चेक हो गया तब आप डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, अगर चेक के बाद फेल हो जाता है कि विद इन द लिमिट्स नहीं आ पा रहा है, या तो लोअर लिमिट से नीचे आ रहा है या अपर लिमिट से ऊपर जा रहा है, तो अब क्या करते हैं उसकी बात बाद में करेंगे हम, वो पीवी नहीं रहा तो पीक्यू हो जाएगा, उस इटरेशन में उसको पीक्यू मानते हैं और फिर कैसे कैलकुलेशन करते हैं बाद की बात है, इसीलिए मैं कहा कि इन दोनों वेरिएबल्स में पहले किसको इवैल्यूएट करेंगे हम, इसको। अच्छा क्यू आप समझ रहे हैं, क्यू आई अगर हम लिख रहे हैं तो क्यू आई का क्या मतलब है, पावर फ्लो इक्वेशंस, चलिए आपको याद दिला दूं, आपके नोटबुक में है एस आई स्टार को आप क्या लिखते थे, पी आई माइनस जे, यही तो लिखते थे, या इसको आप लिखते थे वी स्टार आई, ये लिख रहे थे ना, या इसी को आप लिख रहे थे वी आई स्टार आई, आई को क्या लिखते थे आप, के इक्वल टू वन टू एन वाई आई के वी के, याद आ रहा है कुछ, तो इसे अगर क्यू आई लिखते थे आप तो क्यू आई क्या होता था, माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट लेंगे ना इसको, इसमें तो पी आई एंड क्यू आई दोनों है, यहाँ निगेटिव साइन है तो माइनस साइन यहाँ रखेंगे, और इमेजिनरी ऑफ आप लिख देंगे कि क्या लिखेंगे वी आई स्टार, देख के लिखिए, के इक्वल टू वन टू एन
yik, कोई डाउट नहीं, qi यही तो होता है फॉर्मूला भाई, जैसे vi का फॉर्मूला जो होता था उसको आप rth इटरेशन के लिए लिख रहे थे, उसी तरह से इसमें qi वेरिएबल है, तो पहले तो आप सामने ये फॉर्मूला लिखिए और फिर हम इससे आप एक्सप्रेशंस लिखेंगे, ठीक है। अब rth इटरेशन की बात करें अगर हम, चलिए यहाँ लिखता हूँ rth इटरेशन में, जिस तरह से आपने v फेजर को लिखा था, vi फेजर को, vn डेल्टा दोनों, तो यहाँ पे qi लिखेंगे तो यहाँ भी r लगा दीजिए, मतलब rth इटरेशन में qi1 रखेंगे मतलब फर्स्ट इटरेशन, qi2 रखेंगे सेकंड इटरेशन, तो rth इटरेशन के लिए आप कुछ ऐसा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे आप, माइनस इमेजिनरी ऑफ, अब ये एक्सप्रेशन आपके सामने है और इनको देखते हुए लिखना है। अब यहाँ पे i जो होगा, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, i इज इक्वल टू क्या हो सकता है, m प्लस वन से लेकर n तक, आप समझ रहे हैं इस बात को, इस रीजन में आप एंटर हो चुके हैं, ये कौन सा रीजन है, पी वी रीजन। सो इन्हीं के लिए क्यू आई वेरिएबल होता है, तो क्यू आई जहाँ भी लिखेंगे आप, पी वी बस के लिए लिखेंगे, वहाँ पे i इसमें लाई कर रहा होगा, ठीक है, इसलिए m प्लस वन से लेकर n तक कहीं भी i हो सकता है। लेकिन इसमें k इक्वल टू वन टू n है, यहाँ भी फिर गौर कीजिए, k जब 1 रखेंगे तो y i1 v1 हो जाएगा, देखिए v1 क्या है, सिलाई के बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड है एंड फेज एंगल भी है, फेजर है ये, इस तरह से k2 रखेंगे तो इसका भी आ जाएगा। तो भले ही आप लिखने जा रहे हैं पी वी बस के लिए क्यू आई वेरिएबल, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है बाकी बसेस, बस के वोल्टेजेस पे भी, समझ रहे बात को, ठीक है। तो अब लिखना शुरू करते हैं, ये क्या है, वी आई स्टार है, आई आपको पता है, आई क्या है, एम प्लस वन से एन के बीच है, मतलब जो आई है, आईथ बस है, वो पी वी बस है, पी वी बस के लिए वी आई फेजर लिखा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड तो स्पेसिफाइड है, आई क्या है, आईथ बस पी वी बस है, तो उसका तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड वेरिएबल है नहीं, एंगल है वेरिएबल डेल्टा, स्टार यहाँ लगा हुआ है तो माइनस ऑफ डेल्टा जेट लिख देंगे, लेकिन ये तो एज इट इज रहेगा, यानी कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे आप, वी आई माइनस डेल्टा आई, अब यहाँ पे ये वेरिएबल है ना, ये स्पेसिफाइड है, ठीक है, तो वेरिएबल में आर या आर माइनस वन आएगा, तो आप कौन सा लिख रहा है, आईथ बस के लिए लिख रहा है, तो क्यू आई लिखने जा रहे हैं और डेल्टा आई आ गया बीच में, तो आपको पता है कि डेल्टा आई एंड क्यू आई में पहले कौन इवैल्यूएट होता है पीवी बस के लिए, क्यू आई, इसका मतलब डेल्टा आई प्रेजेंट इटरेशन में पता नहीं है, तो प्रीवियस इटरेशन वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या रखेंगे, आर माइनस वन, इसका काम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे इनके लिए, चलिए स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, फिर वही कहानी, K1 रखेंगे तो y i1 v1 होगा, तो ये स्लैक बस है, वेरिएबल है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, y i1, कोई दिक्कत है, k इज इक्वल टू टू से लेकर m तक आप लिखेंगे, क्योंकि i इधर लाई कर नहीं रहा है, क्योंकि हम rth इटरेशन में लिखते हैं तो हम देखते हैं i कहां है, i से पहले तक के वैल्यूज हमारे पास है प्रेजेंट इटरेशन में, तो अभी आप किस में है, इस रीजन में है, पीवी बस के लिए लिख रहे हैं, तो आपका आई इधर लाई कर रहा है, तो आई माइनस वन तो इधर ही कहीं होगा ना भाई, तो यहां से लेकर यहां तक समेशन साइन आप ले सकते हैं, क्योंकि सबके लिए सेम रूल होगा, तो आप यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, यहां प्लस है ना, साइन का ख्याल करते हुए प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, के इक्वल टू टू से लेकर कहां तक, एम तक, क्या लिखेंगे, वाई आई के, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेजर लिख देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स है ना दोनों, के आप एम तक लिख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वी वोल्टेज मैग्नीट्यूड या डेल्टा दोनों वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल हैं, तो उनके लिए क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर, वेरी गुड, आर लिखेंगे, ठीक है। अब आप कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, अब फिर लिखेंगे आप प्लस समेशन k इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहां पे, m प्लस वन से कहां तक, कहां तक, i माइनस वन तक, क्योंकि i कहीं भी लाई कर रहा होगा, तो i माइनस वन तक तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं, राइट, तो आप ये कह रहे हैं
आई माइनस वन तक हम लिखेंगे, आई माइनस वन तक लिख दिया, वाई आई के। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज मैग्नीट्यूड तो वेरिएबल है नहीं, तो ये स्पेसिफाइड वैल्यू जो भी है एज इट इज रहेगा, डेल्टा वेरिएबल है। तो डेल्टा के क्या लिखेंगे, आर ई आर माइनस वन, आप यहाँ आई माइनस वन तक लिए है ना, तो आई माइनस वन तक प्रेजेंट इटरेशन वैल्यू रखते हैं, आर एच लिख रहे हैं तो आर होगा, और i प्लस वन ऑनवर्ड जो भी हो i ऑनवर्ड r माइनस वन लिखते हैं, याद आ रहा है वेरिएबल का, यही था ना गॉस सीडल में। तो ये अभी i माइनस वन लिखिए, आप आई एथ के लिए लिख रहे हैं ना, तो आई एथ कहीं इधर लाई कर रहा है, तो i माइनस वन तक तो आपके पास प्रेजेंट इटरेशन वैल्यूज है ना भाई वेरिएबल्स के, क्लियर हो रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ नहीं कहीं कहीं से i r माइनस वन आया था इसलिए रिपीट कर रहा था, ठीक है r लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने R लिख दिया। अभी आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, I माइनस वन तक, आई एस टर्म इसमें है, देखिए यहाँ पे कहीं भी देख रहे हैं ना, तो अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, प्लस इसको मिटा देता हूँ, प्लस क्या लिखेंगे आप, K इज इक्वल टू I टू N, वेरी गुड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई आई के, अगेन ये पीवी बस है वी के, ये बताइए डेल्टा क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर माइनस वन, आप यहां पे लिख दीजिए आई इज इक्वल टू एम प्लस वन एम प्लस टू अप टू एन, ठीक है, यानी कि जो आई है एम प्लस वन से लेकर एन तक कहीं भी लिखेंगे इतनी बसेस के लिए, टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी हो जाएंगी, ये एन माइनस एम, तो एन माइनस एम बसेस के लिए आप क्यू आई लिखेंगे, अभी लिखिए, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, अब मिटा रहा हूं मैं इसको, जगह कम है, ठीक है कोई डाउट नहीं है, चलिए अब क्यू आई आर आपने इवेल्युएट कर लिया, तो नेक्स्ट काम क्या करेंगे आप, जो वोल्टेज कंट्रोल बसेस होती हैं, हर बस की क्यू आई मीन और क्यू आई मैक्स लिमिट्स दी गई होती हैं, इसलिए कि क्यू का रिश्ता जो है बस वोल्टेज से होता है, रिएक्टिव पावर जो है इजेक्टेड इनटू आईएथ बस है वहाँ के वोल्टेज प्रोफाइल को अफेक्ट करता है, अगर बहुत ही पुअर है तो वोल्टेज खराब हो जाएगा, राइट, बहुत ही ज़्यादा हो गया तो ओवर वोल्टेज हो जाएगा, तो यानी कि वोल्टेज कंट्रोल्ड बस इसलिए नाम दिया गया है कि उस बस के लिए कुछ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ वोल्टेजेस स्पेसिफाइड रहती है, कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आई मीन क्यू आई मैक्स स्पेसिफाइड रहती है, तो आपके पास जो लिमिट्स हैं हर बस के लिए क्यू आई मीन, कौन सी बस, पीवी बस की बात कर रहे हैं, और ये आपने इवेल्युएट किया क्यू आई आर, तो इनको इन लिमिट्स के बीच रहना चाहिए, ठीक है क्यू आई मीन और क्यू आई मैक्स के बीच रहना चाहिए। अभी आपने इवेल्युएट किया ना क्यू आई आर, इवेल्युएट करने के बाद आप इस क्यू आई आर को उस बस के मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये पीवी बस के लिए दी गई रहेंगी प्रॉब्लम से, ठीक है, आई मे बी एम प्लस वन एम प्लस टू अप टू एन, तो इन सारी पीवी बसेस के लिए हर एक बस के लिए लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ क्यू दी गई रहेगी प्रॉब्लम में। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करते ही कंपेयर करेंगे, ये फर्स्ट चेक है इसका कि जो स्पेसिफिकेशन है उसको ये होल्ड करता है या नहीं, अगर फेल हो गया तो इसकी आइडेंटिटी खत्म, अब पीवी बस नहीं रहा है, अब ये पीक्यू बस ट्रीट किया जाएगा, ठीक है भाई, तो ये क्राइटेरिया पहले पास हो जाएगा, ये चेक पास हो जाएगा तो इसको कह देंगे पीवी बस है, ठीक है, अगर अगर आप लिख दिए इफ, तो इसका मतलब ये है कि ये पीवी बस है, अब माना गया कि वाकई पीवी बस आ रहा है, अभी आपने सॉल्व किया तो इसके बाद आप क्या करेंगे, वी हैव टू इवेल्युएट डेल्टा आई आर, देख रहे हैं लिख लीजिए इसको, अगर ये चेक पास हो जाता है तो तभी इसको हम मान लेंगे कि पीवी बस है, और पीवी बस है तो क्यू आई आपने इवेल्युएट कर लिया था, दूसरा वेरिएबल क्या होता है,
डेल्टा आई, तो आर इटरेशन उसको आप लिखेंगे डेल्टा आई आर, इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, अगर फेल होता है तो क्या होगा पहले उसकी डिस्कशन कर लें, ठीक है। अगर ये फेल होता है तो अब ये पीवी बस नहीं रहा, अब पीक्यू बस हो गया, तो पीक्यू बस में क्यू स्पेसिफाइड होता है, तो इसमें जो भी लिमिटिंग वैल्यूज है जिसको वायलेट कर रहा है ये, उसके बराबर क्यू आई आर कर देंगे, ठीक है। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ क्यू आई मीन, ठीक है, अगर क्यू आई मीन से भी छोटा हो गया ये क्यू आई आर, मतलब वायलेशन होगा तो या तो इससे छोटा होगा या इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर छोटा हो गया तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे क्यू आई आर इज इक्वल टू क्यू आई मीन, ठीक है। तब आप इवेल्युएट, अब ये हो जाएगा इस इटरेशन में, इसको आप पी क्यू बस ट्रीट करेंगे, पी क्यू बस, जब पी क्यू बस हो गया और आपने क्यू आई को आर को क्यू आई मीन के बराबर रख दिया, तो अब क्या इवेल्युएट करेंगे, अब पी क्यू बस के लिए वेरिएबल क्या होता है, वी एन डेल्टा, तो आपको अब इवेल्युएट करना पड़ेगा वी आई आर, समझ रहे हैं बात को। या दूसरा केस ये हो सकता है, इफ क्यू आई मैक्स छोटा हो गया क्यू आई आर से, यानी कि मैक्सिमम लिमिट से बड़ा हो गया ये, अभी देखा था आपने कि लोअर लिमिट से छोटा हो गया, ये केस नहीं होगा, तो या तो ये हो सकता है ये हो सकता है, तो इस केस में भी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर रख दीजिए, और इस केस में भी इसको आप अब पी क्यू बस ट्रीट करेंगे इस पार्टिकुलर इटरेशन में, लिखते जाइए इन चीजों को, ठीक है। इन दैट पार्टिकुलर इटरेशन इट विल बी ट्रीटेड एज पी क्यू बस, वाई, बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट इट्स आइडेंटिटी ऑफ पी वी बस, बस वोल्टेज स्पेसिफिकेशन विल बी ड्रॉप नाउ, क्यों, क्योंकि इसने लिमिट्स को वायलेट किया है, ठीक है। लिमिट के अंदर नहीं रहेगा तो भाई तो इसकी आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी ना भाई, नहीं तो हर किसी को लिमिट के अंदर रहना चाहिए, तो इनको भी ये पाबंदी है कि पीवी बस है माना जाएगा आप, लेकिन जो लिमिट है जो दायरा है उसी के अंदर रहें आप, अगर वायलेट कर रहे हैं तो आप गए, अब नहीं रहे आप, ठीक है। शराफत की दाग ख़त्म, अब उस पर धब्बा लग गया, अब ये हो गया कुछ और, ठीक है। तो अब पी क्यू हो गया तो इसके लिए भी वेरिएबल यही रहेगा ना, वी आई आर, आप समझ रहे इस बात को। अच्छा, वी आई आर अब जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो आप एक्सप्रेशन पहले लिख चुके हैं कि किसी भी पी क्यू बस के लिए आप वी आई आर आर एथ इटरेशन में लिख सकते हैं। अब ये है कि इस बस के लिए लिख रहे हैं, तो ये पी वी बस है तो P तो स्पेसिफाइड होता ही है, Q नहीं था स्पेसिफाइड, तो Q आपने ले लिया यहाँ से, तो P भी स्पेसिफाइड मिल गया आपको, Q मिल गया, तो वेरिएबल्स जो इसके वी आई एन डेल्टा है आप निकाल लेंगे इस पार्टिकुलर पी वी बस के लिए जिसने अपने लिमिट को तोड़ा है, ठीक है। अब अगर पास होता है, ये तो बात तब है ना जब फेल होता है, तो पास होता है तो क्यू आई आपने निकाल लिया है, अब डेल्टा आई निकालेंगे। अब कोई पूछता है कि क्यू आई और डेल्टा आई में पहले आप क्यू आई क्यों निकाल रहे हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि पहले सबूत तो दे पूछ ले उससे भाई कि तुम पीवी बस ही हो, पता चला डेल्टा आई कैलकुलेट कर लिया, बाद में पता चला तुम तो निकले कुछ और, तो मेरा तो कैलकुलेशन बेकार हो गया, नहीं तो इसलिए पहले चेक कर लें कि जैसा दिख रहे हो सही में ऐसा है नहीं है, आई डी कार्ड वगैरह तुम्हारा है सब सही, उसके बाद में फिर आगे का रास्ता, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्योंकि ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम के बीच में आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि चेक पास करता है, ये पास हो गया लिमिट्स, जो क्यू आई आर आपने इवेल्यूएट किया था आर एथ इटरेशन में वो विद इन लिमिट्स आ रहा है, तो डेल्टा आई आर आप निकालेंगे, तो डेल्टा आई क्या होता है, मिटा दूं इसको, ठीक है, खत्म करता हूं बस डेल्टा आई आर के बारे में लिखकर। सो डेल्टा आई आर आप लिखेंगे, ये वेरिएबल है पीवी बस के लिए जिसके लिए ऑलरेडी आप क्यू आई आर निकाल चुके हैं, और ये आई लाई करता है इस रीजन में, एम प्लस वन से एन के बीच होगा, पीवी बस के लिए आप लिखने जा रहे हैं, पीक्यू के लिए तो लिखते नहीं है ना भाई, पीक्यू के लिए जो लिखते हैं आप उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए वी फेजर ही लिखते हैं, वी आई डेल्टा आई दोनों लिखते हैं, राइट। तो इसमें लिखेंगे तो ये क्या होगा, डेल्टा आई क्या होता है, डेल्टा आई क्या है, क्या है डेल्टा,
फेज एंगल किसका है, ठीक है, यानी इसको आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज फेज एंगल ऑफ वी आई आर, यही कहना चाह रहे हैं आप ना, और वी आई आर आपको लिखने आता है, बस फर्क ये है कि अब तक आपने पी क्यू बस के लिए लिखा था, आप पी वी बस के लिए लिख दीजिए, बात समझ रहे, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है हुँ? तो वी आई आर क्या होता है, फॉर्मूला क्या था आपका, यानी कि इसको अब मैं यहां लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं एंगल वी आई आर का क्या फॉर्मूला होता था, हाँ तेज बोलिए, वन अपन वाई आई आई क्या होता था, यहां एक और ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, पी आई माइनस जे क्यू आई, चलिए पहले लिखिए, यहां क्या होता था, अच्छा जरा गौर कीजिए, अब आप किसके लिए लिख रहे हैं, आई आपका यहां लाई करता है, तो जब यहां लाई करता है उसमें तो पी एंड क्यू बोथ आर स्पेसिफाइड क्वांटिटीज, लेकिन वंस यू हैव एंटर इन दिस पीवी रीजन, तो यहां पे आप पीआई तो स्पेसिफाइड है पीवी बस के लिए, क्यूआई वेरिएबल है, अब यहां आर या आर माइनस वन आएगा, आईएथ के लिए आप लिख रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा, आर माइनस वन क्यों आएगा, अभी तो आपने आर कैलकुलेट कर लिया है ना, डेल्टा कैलकुलेट करने से पहले क्यूआई आर कैलकुलेट कर लिया आपने, इसका भी ख्याल रखना है, बस मैं कि नहीं, ये नहीं कि आईएथ है तो आईएथ देखते ही आई माइनस वन लिख दिया, आप डेल्टा आई कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेल्टा आई से पहले क्यू आई कैलकुलेट होता है, हो चुका है ना भाई, चेक भी पास कर चुका है, तभी तो डेल्टा आई आप आ रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, आर लिखेंगे, अब यहां क्या होता था वी आई स्टार फेजर का, लेकिन ये है पीवी बस, तो पीवी बस में वी अगेन क्या है, स्पेसिफाइड क्वांटिटी, वेरिएबल नहीं है, डेल्टा है, और तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, डेल्टा आई, लेकिन ये स्टार होता था ना, तो डेल्टा आई आप लिखेंगे, और ये वेरिएबल इसमें सिर्फ डेल्टा आई है, अब यहां आर लिखें या आर माइनस वन लिखें, आर आर माइनस वन, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप ये लिखने जा, अब इवैल्यूएट किया नहीं आपने, अभी तो करने जा ही रहे हैं, तो आर माइनस वन, ठीक है, वी आई आर का फॉर्मूला लिखा रहे थे आप कुछ, ये इसके बाद क्या होता था बताइए, माइनस क्या होता था, अब समेशन को अब इसको देखते हुए लिखेंगे ना, तो k इक्वल टू 1 के लिए स्लैक बस हो जाएगा, और स्लैक बस के लिए अगेन वेरिएबल्स क्या है क्या नहीं देखिए, तो यानी कि पहले टर्म को आप फर्स्ट टर्म को लिखेंगे आप y i, आप आइए थे ना y i1 v1 फेजर, यहां पे r या r माइनस वन नहीं लिखेंगे आप, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल नहीं रहा i इक्वल टू k इक्वल टू 1 के लिए, k इक्वल टू 2 में आप आइए आप, ठीक है, तो माइनस क्या लिखेंगे आप, k इक्वल टू 2 से कहां तक, देखिए i तो इस रीजन में है ना, तो i माइनस वन इधर ही होगा ना, कहीं से होगा तो m प्लस वन मिनिमम तो होगा ही होगा, तो इधर कोई टेंशन नहीं है, आप 2 से लेकर m तक सेम रूल अप्लाई करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, m लिख दिया आपने, और ये y i के भी मैं लिख देता हूं, अब यहां पे लिखिए क्या लिखेंगे आप, वी के पी क्यू बस में दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है, तो फेजर आएगा, अब यहां पे आप क्या आएगा, आर या आर माइनस वन, आर आएगा, क्योंकि आई माइनस वन रीजन में लाई कर रहा है ना, आई इधर है, ठीक है, तो आई माइनस वन तक आर तो होता ही था, ये लिखेंगे आप, ठीक है, अब यहां तक आ चुके हैं, अब यहां से आगे क्या लिखेंगे आप, हाँ के इक्वल टू एम प्लस वन से कहां तक, आई माइनस वन तक, क्यों लिख रहे हैं आप समझ भी रहे हैं, याद कर लिया आप लोग, समझ रहे हैं, ठीक है, आई माइनस वन तक के लिए जो वेरिएबल्स आपके हैं वो इवेल्युएट हो चुके हैं, इसलिए उनकी वैल्यूज को आप कौन से वैल्यूज को रखेंगे, प्रेजेंट इटरेशन, तो क्या लिखेंगे आप यहां पे, वाई आई के, अब बताइए यहां पे, ये पीवी बस है तो बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड वेरिएबल नहीं है, डेल्टा है, तो डेल्टा को क्या लिखेंगे आप, यहां पे क्या लिखेंगे, आर या आर माइनस वन, आर लिखेंगे आप, ठीक है, इसके बाद रिमेनिंग जो, इसके बाद क्या लिखेंगे आप बताइए, के इज इक्वल टू, दीपांशु कह रहे हैं आई प्लस वन, आई प्लस वन रखेंगे, आई रखेंगे,
देखिए आप VI के लिए लिख रहे हैं ना, तो VI जब बाहर लिया था तो एक IA टर्म को निकाल लिया था, वो है नहीं, इसलिए सही बोल रहे हैं I+1 लिखेंगे आप, समझ रहे ना आप ना, IA टर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं आप, देखिए नोटबुक नॉट देयर राइट। तो कहाँ तक लिखेंगे आप, लास्ट तक, इन तक आप लिखेंगे, और यहाँ पे YIK VK ये स्पेसिफाइड क्वांटिटी है, वेरिएबल डेल्टा के है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, RR-1, वेरी गुड, यानी कि आप समझ रहे हैं। किसी को डाउट हो अभी भी तो आज ही पूछ लो, आगे मैं एज्यूम करके चलूँगा कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है। ये भी लिख दो, वेयर आई मे बी m+1 m+2 up to n, क्लियर है, बस सारा काम कर लिया आपने, क्या कर लिया, एक एक करके आपने PQ एंड PV बसेस के लिए जो भी वेरिएबल्स हैं उनको RF इटरेशन में कैसे लिखते हैं आपने लिख लिया, बस उसको इवेल्युएट करना होगा कैलकुलेटर से, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, समराइज कर रहा हूँ। अच्छा, आपने RF इटरेशन में लिखा है, चाहे आप PQ बस के लिए फेजर VI लिख रहे हो या PV बस के लिए QIR और ΔIR लिख रहे हैं, तो हर इटरेशन में आप लिखते चले जाएंगे और अपडेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स रखते चले जाएंगे, लेकिन कहाँ तक जाएंगे आप, स्टॉपिंग क्राइटेरिया फिर याद कीजिए, जब आपका सॉल्यूशन आपके सामने है, यानी कि फर्दर इम्प्रूवमेंट अब नहीं मिल रहा है, अब फर्दर इम्प्रूवमेंट आप किसको कहेंगे, वही आपका टॉलरेंस लेवल क्या है, कहाँ तक आप, अप टू विच एक्यूरेसी यू वांट योर रिजल्ट राइट। तो अब आप क्या करेंगे, एक चेक लगाएंगे, अब चेक ये लगाएंगे कि आप PQ बस के लिए भी लगा सकते हैं, अब PQ बस के लिए इसको मिटा दूं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कहीं पे किसी को, कहाँ पे, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये कंजुगेट होता है ना, तो कंजुगेट होता है तो माइनस रहता है ना, तो आप लोगों को नहीं आया समझ में आ रहा है, हाँ बताना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग, अच्छा बाई मिस्टेक रह गया होगा आप लोगों से, ठीक है, मैं तो आपके सामने लिख रहा हूँ भाई, आपके साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आप समझेंगे तो लिख लेंगे, और समझेंगे तो आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, याद वाद करने के चक्कर में मत पड़िए आप, याद करेंगे तो कहीं का कहीं गलती कर देंगे आप समझने की कोशिश कीजिए, समझेंगे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए, एनीथिंग एल्स, सब ठीक है राइट, नोटबुक्स आप क्रॉस चेक करते रहें, चलिए इसको मिटाता हूँ मैं, यानी कि अब तक आपने PQ एंड PV बसेस दोनों के लिए जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को RF इटरेशन में कैसे लिखेंगे आपने लिख लिया, ठीक है, अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप एक ΔVmax आप R एक आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए, नाम दे दिए कुछ भी, याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ, याद कीजिए जब गॉस सीडल बता रहे थे स्टॉपिंग क्राइटेरिया में, तो आप PQ बसेस के लिए भी VIR-VI R-1, चलिए आप एक एक करके लिख लीजिए, 2, 3, 4, चलिए 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसी तरह से V3R-V3 R-1 कर दीजिए, ठीक है, कॉमा, कहाँ तक था भाई, M तक था, तो VM R-VM R-1, आपने क्या किया, जो बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड्स हैं वो वेरिएबल है ना PQ बस के लिए, तो अगर आप उन्हीं पे चेक लगाते हैं कि हर PQ बस की वोल्टेज मैग्नीट्यूड्स जो कि वेरिएबल हैं वो प्रेजेंट इटरेशन और प्रीवियस इटरेशन में सारी बसेस के लिए, सारी PQ बसेस के लिए लिख लीजिए, फॉर ऑल PQ बसेस, आप देखेंगे जो उसमें मैक्सिमम आ रहा है उसको इससे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, और इस पर भी चेक लगा सकते हैं कि इफ ΔVm max R इज इक्वल और लेस देन सम एप्साइलन, मतलब ये है कि ये तो इनमें जो डिफरेंसेस हैं प्रेजेंट इटरेशन वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ PQ बस माइनस प्रीवियस इटरेशन वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ PQ बस, द सेम PQ बस राइट, तो सारी PQ बसेस के डिफरेंसेस को आप चेक कर रहे हैं, जो मैक्सिमम आ रहा है वो टॉलरेंस जो भी आपका लेवल होगा, आप मान लीजिए इसको अगेन आप लिख सकते हैं 10^-6 कर दें, -12 कर दें, जो भी हो आपका जो लेवल है, तो अगर इसके अंडर आ रहा है मतलब कि अब बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड फर्दर इंप्रूव नहीं हो रही,
ठीक है, आप चाहें तो सबके लिए लगा सकते हैं। एक वेरिएबल आप वोल्टेज मैग्नीट्यूड के लिए बना दिया, दूसरा PQ के लिए दूसरा क्या होता है वेरिएबल, डेल्टा, उसके लिए भी लगा दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो PV बसेस के लिए, डेल्टा किसके लिए वेरिएबल है, सबके लिए, PQ एंड PV सबके लिए है, सारे के लिए लगा सकते हैं आप। आप खुद ही आप एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगा कि अब हमारा सोल्यूशन हमारे सामने है, हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। ये प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे तब ये सब करना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम्स में चूंकि टाइम लगता है तो जनरली अप टू 1-2 ऐसी इटरेशन पूछा जाएगा कि फाइंड एज्यूमिंग दिस इनिशियल वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, या डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी कितनी है, छोटा है बहुत तो हो सकता है अप टू 5th इटरेशन पूछा जाए। तो तरीका तो वही रहेगा, RH इटरेशन का पता है, R1 रखेंगे तो प्रीवियस इटरेशन वैल्यूज जो एज्यूम किया उसको रखेंगे ये मिल जाएगा। इटरेशन नंबर सेकेंड चल रहा है तो अपडेटेड वेरिएबल्स आपके सामने है जो इटरेशन वन के बाद है उसको रखेंगे, प्रॉब्लम करेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक समरी के तौर पे आप लिख लीजिए स्टेप्स में क्विकली, 3-4 पॉइंट लिखा देता हूँ, हम लोग देख चुके हैं, बस उसको इसकी समरी आप लिख लीजिए, स्टेप्स फॉर गॉस सीडल मेथड ऑफ लोड फ्लो। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन क्या होगा आपका, समझ लीजिए पहले, अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। स्टेप नंबर वन क्या होगा, रीड सिस्टम डाटा। ठीक है, ये तो होता ही है ना भाई, एल्गोरिथम कहीं भी लिख रहे हैं होता है ना, एक स्टार्ट बना दिया फिर राइट, रीड सिस्टम डाटा, क्यों भाई, आपको पहले सिस्टम को पढ़ना है, कितनी बसेस हैं, कौन कौन से पीवी है, कौन कौन से पीक्यू है, पीवी पीक्यू है तो स्पेसिफाइड क्वांटिटीज दी गई रहेंगी राइट, अगर पीवी है तो क्यू लिमिट्स भी दिया गया रहेगा, लिमिट लोअर एंड अपर दोनों। ठीक है, तो ये सारी सिस्टम डाटा है। ठीक है, आप लाइन पैरामीटर्स भी आपको दी गए रहेंगे, या तो RX दिया रहेगा या Y, आप डायरेक्टली Y बस दिया रहेगा, नहीं ना भी दिया हो तो इम्पीडेंस के टर्म्स में है तो आप एडमिटेंस लिख सकते हैं, Y बस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं आपको पता है। तो इन सारी चीज़ों को आप पहले ऑब्जर्व करेंगे, इसको लिखेंगे रीड सिस्टम डाटा। ठीक है, आपने एक बार सिस्टम डाटा रीड कर लिया तो स्टेप नंबर टू क्या होगा, फॉर्मुलेट Y बस, लिख लीजिए। तो स्टेप नंबर टू ऐसे याद रहेगा क्योंकि Y बस की जरूरत पड़ती है ना भाई, देख रहे हैं हर जगह Y1 Y2 समथिंग Y क्या आ रहा है ना, तो Y बस चाहिए होगा, तो फॉर्मुलेट Y बस। ठीक है, अब ये दो स्टेप तो आपको याद रहेंगे। अब गॉस सीडल की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट स्टेप जनरलाइज्ड केस में भी क्या होता है, एज्यूम इनिशियल वैल्यूज, तो एज्यूम इनिशियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स किसके लिए, PQ है तो क्या है और PV है तो क्या है, आपको पता है, यानी आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो आप VI0 आप एज्यूम करेंगे, VI0 किसके लिए करेंगे, VI0 जीरो इसलिए कि इनिशियल वैल्यू है, PQ बस के लिए लिख लीजिए, PQ के लिए ना दोनों वेरिएबल होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डेल्टा दोनों है, तो इसको आप जनरली जनरली गौर कीजिए, इस पर आप स्लैक बस वैल्यूज को ले सकते हैं जो कि लगभग 1∠0 के बराबर होता है, तो आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1∠0 डिग्री पर यूनिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि एज्यूमिंग फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट, लिख लीजिए इसको, एज्यूमिंग फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट, तो फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट जब लिखिएगा तो आप हमेशा यही एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, मैग्नीट्यूड को 1 पर यूनिट और डेल्टा को 0 डिग्री, ये नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो PQ के लिए आपने एज्यूम कर लिया, PV के लिए आप क्या करेंगे, आप PV के लिए ये देखिए वोल्टेज मैग्नीट्यूड तो दिया रहेगा, स्पेसिफाइड वेरिएबल है नहीं, सिर्फ डेल्टा आई को आप डेल्टा फॉर PQ बसेस यहाँ लिख लीजिए, फॉर ऑल PQ बसेस। ठीक है, ये PQ बसेस के लिए आपने ये एज्यूम किया, और डेल्टा ये आप जनरली 0 डिग्री एज्यूम कर लीजिए आप PV बसेस के लिए। अब आपका सवाल होना चाहिए कि चलिए ठीक है, PQ बस में VI एंड डेल्टा ही दोनों वेरिएबल्स है, दोनों को आपने एज्यूम कर लिया, PV बस में QI और डेल्टा ही दोनों वेरिएबल है, आपने सिर्फ डेल्टा आई को एज्यूम किया, QI को क्यों नहीं किया, QI का जो एक्सप्रेशन है आप देखिए, जो लिखा था आपने माइनस इमेजिनरी ऑफ, वो QI ऑलरेडी इन पैरामीटर्स पे, इन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, तो अलग से उसके लिए एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, फॉर गिवेन वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स आप उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग QI आप कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आ रही बात, उसको एज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, तो जनरली आप जो मैग्नीट्यूड होगा बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड किसका एज्यूम करेंगे आप, PQ का, क्योंकि वोल्टेज मैग्नीट्यूड इसी का वेरिएबल है और डेल्टा आई दोनों के लिए वेरिएबल है, वेदर PQ और PV, तो उसमें जनरली स्लैक बस में जो दिया है वो ले लीजिए, जनरली 0 दिया रहता है, या अगर फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट लिख दिया है तो उसमें 0 लेना पड़ेगा डेल्टा दोनों के लिए। ठीक है,
एज्यूम आप इनिशियल कर लेते हैं, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट स्टार्ट इटरेशन। स्टार्ट इटरेशन में आप वही लिख लीजिए, आप क्या करेंगे, आप वी आई आर आप निकालेंगे, इवेल्युएट करेंगे। वी आई आर किसके लिए किया था, ये फॉर ऑल पी क्यू बसेस के लिए, ठीक है, यही होता था ना। और क्यू आई आर लिख लीजिए फॉर ऑल पीवी बसेस के लिए, यही करते हैं ना। क्यू आई आर निकालने के बाद वो चेक लगा दीजिए जो हम लोग डिस्कस किए थे, यानी कि आप क्यू आई मिन और क्यू आई मैक्स के बीच में अगर ये आ रहा है जो आपने कैलकुलेट किया आर एस इटरेशन में, तो ये पीवी है। नेक्स्ट डेल्टा आई आर आप इवेल्युएट करेंगे, जिसका एक्सप्रेशन आप लिख चुके हैं, ठीक है। अगर विद इन लिमिट्स नहीं आता है तो भी डिस्कस किया जा चुका है क्या करना है, उसको पीवी बस को पी क्यू बस ट्रीट करेंगे, और जो लिमिटिंग वैल्यू है द केस में भी, जो भी केस हो रहा है लोअर से कम है तो उसको ले लेंगे, या अपर से ज़्यादा है तो उसको बराबर कर देंगे, क्यू आई आर को उस लिमिटिंग वैल्यू के बराबर कर देंगे। और अब पी तो स्पेसिफाइड पहले से था, क्यू भी मिल गया, और इसको रख करके वी आई आर पी क्यू ट्रीट करेंगे, तो वी आई आर ये फेजर आप इवेल्युएट करेंगे उस पार्टिकुलर इटरेशन में, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट इटरेशन में फिर सुधर जाए, होता है ना, कभी कभी होता है ना, दो तीन महीने की सजा हो गई, जेल चला गया, आया शरीफ बन गया, फिर लिमिट में रहने लगा, अगर पता चला फिर लिमिट वायलेट कर रहा है तो फिर जेल हो जाती है उसकी, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं आप, आरएस इटरेशन की बात कर रहे हैं, जिस इटरेशन में जिस वक्त ये लिमिट वायलेट कर रहा है उस इटरेशन में उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, पहले शरीफ माना जा रहा था, शराफत अब खत्म हो गई, अब दाग लग गया, हथकड़ी लग गई, जो भी आप समझो, याद रखना कंसेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद ये सब एग्जाम में मत लिखना, जेल हथकड़ी, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नंबर काट लूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब था कि उस पार्टिकुलर इटरेशन में ये काम होगा, फिर इटरेशन चलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टॉपिंग कैरेक्टरी अभी डिस्कस हम लोग कर ही चुके, बस ये है, ये कंसेप्ट है, इसको रिवाइज कीजिए, इसके बाद हम लोग इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो घर जाइए, रिवाइज कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनी डाउट, थैंक यू वेरी मच।